स्थिति में नदियां प्रागैतिहासिक धर्म और मान्यता का अटूट हिस्सा रही हैं। करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास की प्रतीक इन नदियों की साफ सफाई के लिए वैसे तो सरकार अपने स्तर पर सतत प्रयास कर रही है, लेकिन कोरोना काल में मानवीय गतिविधियां सीमित होने से न केवल नदियों में बल्कि प्राकृतिक खूबसूरती में भी सकारात्मक बदलाव देखा गया है। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सबसे खूबसूरत प्रभाव हमारी नदियों पर पड़ा है। जीवन दायिनी नदियां इस दौरान जितनी साफ दिखी हैं, उतनी शायद पहले कभी नहीं दिखी हों। घाट पर बहती हुई गंगा जितनी निर्मल नजर आ रही है, उतना ही अविरल व शांत होकर बह रही है। इसकी मुख्य वजह है लॉकडाउन के दौरान गंगा के आसपास मानवीय गतिविधियों में कमी। गंगा नदी में आए बदलाव पर मीडिया से बात करते हुए आध्यात्मिक गुरु स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि कोरोना ने हमें जो संदेश दिया है उसे हमें समझना चाहिए। पहले केदारनाथ की आपदा आई, फिर कोरोना की आपदा आई, इसलिए आई ताकि हम जागें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पानी कदम कटते जा रहे हैं, तमाल छटते चले जा रहे हैं, पानी कम होता चला जा रहा है। अपने गाद गधेरे उत्तराखंड में ही सूखते चले जा रहे हैं। रिस्पना को देखो, बिंदाल को देखो, कोसी को देखो, ना जाने किस नदी का नाम लें, सरस्वती लुप्त होती जा रही है, गंगा में जल कम होता जा रहा है। इसलिए ऐसा ना हो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर एक प्रयास करें। कोरोना ने जो मैसेज दिया है, संदेश दिया है, उसको सुने। पवित्र गंगा नदी की सफाई को लेकर गंगा विचार मंच द्वारा देश के जिन जिन राज्यों से गंगा मैया का प्रवाह होता है, वहां घाटों पर जाकर साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। कि गंगा जी के उद्गम से लेकर के और गंगा सागर तक जितने भी घाट बने हुए हैं, उन घाटों पर गंगा विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने स्वयं सेवक तैयार किए। और कई स्थान ऐसे हैं, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, बिजनौर है, कानपुर का अटल घाट है, काशी का दशाश्वमेध घाट है, प्रयागराज का घाट है, बक्सर का रामरेखा घाट है, हुगली का घाट है, जहाँ पर गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता नियमित रूप से लोगों को जुटा करके और स्वच्छता अभियान चलाते हैं। उसका परिणाम अब दिख रहा है, लोग जागरूक हुए हैं। लॉकडाउन के चलते प्रकृति के स्तर पर कई अन्य तरह के फायदे भी सामने आए हैं। नदियाँ साफ होने के साथ ही देश के कई हिस्सों में विलुप्त प्राय वन्य जीव भी देखने को मिले हैं। हमने देखा कि बर्ड्स वापस आने लगी हैं, जो एक्सटिंक्ट होने लगे थे एनिमल, उनको रिलिव होने लगे हैं वो, और उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। हिमालय की चोटी ढंग से दिखने लगी थी, पॉल्यूशन कम होने लग गए थे, सुंदरता बढ़ने लगी थी, नदियां कलकल बहने लगी थी जो रुक चुकी थी। तो मुझे ये लगता है कि हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या चीज़ें कम कर सकते हैं जिससे ये जो नेचर है बच सकता है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से नदियां हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास की प्रतीक जीवन दायिनी माँ गंगा की स्वच्छता के लिए भारत सरकार ने जहां नमामि गंगे अभियान चलाया है, वहीं अन्य नदियों की साफ सफाई के लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाकर इनकी स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। कोरोना काल में मानवीय गतिविधियां रुकने से न केवल पर्यावरण स्वच्छ हुआ है, बल्कि जीवनदायिनी गंगा भी स्वच्छ, निर्मल और अविरल बन के बह रही है। इसकी मुख्य वजह है कि मानवीय गतिविधियां रुकने से इसमें जीरने वाले जो अवशेष है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी है और बहुत सारी जो अवशेष है जो नदी में मिला दिए जाते थे, वो बिल्कुल बंद है। इसी वजह से मेरे पीछे आप जो गंगा देख रहे हैं, वो स्वच्छ, निर्मल और अविरल बह के आगे बढ़ रही है। उम्मीद की जाती है कि मानवीय गतिविधियां संतुलित हो और गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता बरकरार रहे और जीवनदायिनी गंगा सबके सामने स्वच्छ पानी की धारा लेकर बहे। ओपी यादव, ऋषिकेश, डीडी न्यूज के लिए।